हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और दोस्तों अच्छे ही रहने चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में। दोस्तों क्या आप व्हाट्सएप पर डिलीट हुए मैसेज को वापस पाना चाहते हो? और दोस्तों अगर आप डिलीट हुए मैसेज को वापस पाना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए मैं जो है आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और एंड देखना। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप जो है आज के टाइम में काफी पॉपुलर हो चुका है। दोस्तों व्हाट्सएप जो है यूजर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए डेली के डेली मतलब नए नए अपडेट जो है फीचर लॉन्च करता रहता है, नए नए फीचर जो है ऐड करता रहता है, ताकि जो है यूजर्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो और बढ़ा जाए और अच्छे लगे और दोस्तों और लोग जो है व्हाट्सएप को अच्छे से यूज करें और उसको जो है प्रोफेशनल तौर पर यूज कर रहे हैं। दोस्तों व्हाट्सएप पर अभी 60 मिनट के लिए ही किसी मैसेज को जो है सभी के लिए डिलीट किया जा सकता है। और दोस्तों मैसेज डिलीट करने के जो है काफी सारे रीजन हो सकते हैं, या मैसेज आपको मैसेज जो है आपने गलत सेंड कर दिया, या मैसेज ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कभी कभार जैसे आपने किसी गलत गलत मतलब रॉन्ग नंबर जो है मैसेज सेंड कर दिया। तो दोस्तों ये सारे जो रीजन होते हैं इसी कारण जो है कोई भी व्हाट्सएप पर जो मैसेज गलती से चला गया उसको डिलीट करता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप जो है डिलीट हुए मैसेज को वापस पढ़ना चाहते हो, लेकिन दोस्तों इस व्हाट्सएप की तरफ से डिलीट हुए मैसेज को पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं देर का होता है। इसके लिए दोस्तों जो है आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जो है मदद लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन का नाम बता दूं जिसके थ्रू आप दोस्तों व्हाट्सएप पे जो मैसेज डिलीट हो जाते हैं उनको आप वापस पढ़ सकते हो और वापस पा सकते हो। दोस्तों इस ऐप के थ्रू डिलीट हुए मैसेज के अलावा भी अटैचमेंट जैसे पिक्चर, ऑडियो, वॉइस ऑडियो, वीडियो, वॉइस नोट और स्टिकर्स को भी दोस्तों आप जो है रिकवर कर सकते हो। और दोस्तों इस एप्लीकेशन की जो है एक खास बात और है, इससे दोस्तों इसके थ्रू आप जो है व्हाट्सएप पे जो स्टेटस होते हैं वो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ फोन की स्क्रीन पे, वहाँ पे जो है दोस्तों मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा और जो एप्लीकेशन है कौन सी एप्लीकेशन है उसका भी मैं आपको वहाँ पे रिवील कर दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं फोन की होम स्क्रीन पर। हम आ गए हैं फोन की होम स्क्रीन पे। दोस्तों सबसे पहले जो है आपको प्ले स्टोर ओपन कर देना है। दोस्तों मैं प्ले स्टोर ओपन करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों हमें जो है यहाँ पे सर्च कर देना है WAMR, पहला जो आपको दिखाई दे रहा होगा WAMR, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने में दोस्तों सबसे पहले जो एप्लीकेशन आएगा WAMR, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों WAMR रिकवर डिलीटेड मैसेज एंड स्टेटस डाउनलोड, ठीक है। अब दोस्तों हमें इसको जो है डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों तो इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके ऊपर जो है नेट होगा आपका जो उसके ऊपर जो डिपेंड करने वाला है। तो दोस्तों जो है ये आप जो कुछ देर में जो है डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों ऐप जो ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब इसको जो है हमें सिंपल ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको जो है सबसे पहले इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों उसको जो है आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने जो है मेन ऑप्शन आ चुके हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो है व्हाट्सएप के मैसेज रिकवर चाहिए या फेसबुक के मैसेज या और भी बहुत सारे हैं जिसमें आपके फ़ोन में जितने एप्लीकेशन सारे शो करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फिलहाल जो है व्हाट्सएप पे ओके कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे ओके करना है दोस्तों, मैं फिर इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद और फिर कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इन दोनों को दोस्तों जो है आपको मल्टीमीडिया फाइल्स और नोटिफिकेशंस रीडर को जो है दोनों को इनेबल कर देना है। यहाँ पे इनेबल मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है अलाउ कर देना है, फिर से दूसरे को भी इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल करने का दोस्तों आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा WAMR, आपको इसको जो है इनेबल कर देना है या अलाउ कर देना है। उसका दोस्तों आपको बैक आ जाना, फिर यहाँ पे फिर आपको कंटिन्यू कर देना है, फिर से कंटिन्यू कर देना है। उसका दोस्तों आपको सामने जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों मैं जो है आपको दूसरे फ़ोन से वो दिखा देता हूँ कि मतलब जो मैसेज होते हैं लाइव दिखा देता हूँ दोस्तों। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं दूसरे फ़ोन से मैसेज कर देता हूँ। अब दूसरे फ़ोन से जो है मैंने मैसेज किया दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने जो है ये मैसेज दिख रहा होगा, ठीक है। मैं मैसेज आ गया तो मैं इस दूसरे फ़ोन से जो मैसेज को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट डिलीट फॉर एवरीवन, डिलीट फॉर मी। तो दोस्तों मैं डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी इस आपके सामने दोस्तों यहाँ से जो है मैसेज डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों हमें जाना है उसी एप्लीकेशन में। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरे दूसरे नंबर से यहाँ पे मैसेज ऑलरेडी शो हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों अगर यहाँ पे अगर आप सारे मैसेज नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ ऊपर जो है लास्ट में जो राइट साइड दिखाई दे रही होंगे आपको थ्री डॉट्स लेके, आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओनली डिलीटेड एप्स पे, ओनली डिलीटेड पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपके जो डिलीट किए हुए मैसेज हैं ऑलरेडी वही ओनली जो है दोस्तों वही मैसेज आपके सामने जो है शो ऑफ हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर आपको जो है फिर भी अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो दोस्तों जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो जो है आपको काफ़ी अच्छे से
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो जो है आपको काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों चैनल के साथ में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि जो है दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा और इसका जो नोटिफिकेशन होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।